Hello, students. I am Pooja, assistant professor from Indraprastha Law College, and in sociology, uh, we will discuss about custom, social role of custom, and difference between custom and law. So let's start with meaning of custom. A custom is defined as a culture, cultural ideas that describes a regular pattern behavior that is considered characteristics of life in a social system.

यह एक प्रथा को एक कल्चरल आइडियाज़ मीन्स सांस्कृतिक विचार के रूप में डिफाइन किया जाता है जो एक रेगुलर पैटर्न बिहेवियर का वर्णन करती है जिसे सोशल सिस्टम में जीवन की विशेषता माना गया है जैसे कि हाथ मिलाना झुक कर किसी का अभिवादन वादन करना तो ये सब क्या है तो ये सब एक रेगुलर पैटर्न बिहेवियर है मीन्स क्या है मीन्स तौर तो तरीके हैं और ये तौर तो तरीके ये बिहेवियर हमारे सामाजिक व्यवस्था में जीवन की एक विशेषता मानी जाती है जो हमारे सोसाइटी के, के एक पहचान होती है और यही तौर तरीके यही प्रथाएं या कस्टम हमारे कल्चर को दूसरे के कल्चर से क्या करती हैं अलग करने में हेल्प करती हैं मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी का कस्टम ही क्या होता है हमारी प्रथा होती है और हमारे जो हमारी संस्कृति को दूसरों की संस्कृति से अलग करती है इन शॉर्ट इसको हम ऐसे सम समझ सकते हैं कि कस्टम मेनली उन एक्शंस को या उन क्रियाओं को दर्शाता है जिनकी अनेक जनरेशन द्वारा क्या हुई है प्रायः पुनरावृत्ति होती आ रही है और इस कस्टम को इसलिए फॉलो किया जाता है या इसलिए इसका अनुसरण किया जाता है क्योंकि पास्ट में वैसे ही कस्टम को क्या है फॉलो किए जाते रहे होंगे क्यों है ना क्योंकि हम जो कस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि वो पहले ऐसे कस्टम फॉलो किए जाते रहे होंगे और यही वजह है कि हम उस कस्टम्स को आज भी फॉलो करते चले आ रहे हैं सोशल रोल ऑफ कस्टम फर्स्ट इज कस्टम रेगुलेट सोशल लाइफ ठीक है मतलब क्या है इसका कि जो प्रथाएँ होती हैं जो कस्टम्स होते हैं हमारे पूरे जीवन को हमारे पूरे सामाजिक जीवन को क्या करती है रेगुलेट करती है नियंत्रित करती हैं ठीक है ठीके? तो कह सकते हैं कि जो प्रथा है वो प्रथा क्या है हमारे जो भी सोशल बिहेवियर होते हैं उनको नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण एक साधन होता है ठीक है और समाज में प्रथाओं के महत्व को कभी भी हम कम नहीं कर सकते यानी कि क्या है समाज में प्रथाओं का जो महत्व है महत्व है उसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता है ठीक है क्यों क्योंकि जो प्रथाएँ होती हैं उनको हम वैसे ही उसी ढंग से उसका हम पालन करते हैं क्योंकि वे धीरे धीरे विकसित होती हैं और हमारे जो समाज है हमारी जो सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं एक रूपता स्थापित करती हैं ठीक है और यही और ये यह क्या होता है यही जो होता है वो क्या है समान व्यवहार का क्या होता है वो एक अनुसरण कराता है यानी कि जो कस्टम जो होते हैं ना जो जो प्रथाएँ होती है हमारे पूरा सामाजिक जीवन को रेगुलेट करती हैं क्यों क्योंकि जो प्रथाएँ चली आ रही हैं वो धीमे धीरे विकसित हुई फिर हमने उसको फॉलो किया और उसी के आधार पर हमारा क्या होता है सोशल बिहेवियर हम करते हैं नेक्स्ट इज कस्टम्स गेट्स ट्रांसफर्ड प्रथाएं क्या होती हैं हस्तांतरित होती हैं इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है जैसे कोई प्रथा पहले चलती थी तो हम लोग आगे चल के उसको ट्रांसफ़र हुई और वो आगे आ, समाज में आगे बढ़ी तो जो प्रथाएं होती हैं वो लंबे टाइम से समाज में मान्य रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुई हैं वो हस्तांतरित होती रहती हैं ठीक प्रथाओं के कारण है क्या होता है मानव क्या होता है मनुष्य क्या होता है उसको सीखने की जो प्रक्रिया होती है जो सीखने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही ईजी हो जाता है और यही वजह है कि प्रथाओं के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी के व्यवहार ही नई पीढ़ी के व्यवहार क्या होते हैं वो बन जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ कस्टम्स मोल्ड पर्सनैलिटी कस्टम क्या होती है कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती हैं कैसे प्रभावित करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मनुष्य हैं या जो हम लोग हैं वो हमेशा क्या है इन्हीं कस्टम्स के इन्हीं प्रथाओं के अधीन रहे हैं ठीक है और प्रथाएं क्या है प्रथाएं कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्ति की पर्सनालिटी को मोल्ड करने में उसके निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं क्योंकि होता क्या है कि हम जन्म से ही मृत्यु तक किसी न किसी परंपराओं के या प्रथाओं के अधीन रहते हैं ठीक है जैसे कि कोई विवाह है या जन्म है किसी का जन्म है विवाह है तो क्या है वो एक प्रथाओं के फलस्वरूप फलस्वरूपी तो होता है तो उसका जो पालन पोषण होता है किसी व्यक्ति का जो पालन पोषण होता है उसकी शादी ब्याह होता है उसकी मृत्यु के समय जो भी संस्कार किया जाते हैं तो कहीं कही ना कहीं वो हमारे जो प्रथाएँ हैं उन्हीं के अनुसार होता है ठीक है तो प्रथाएँ क्या होती है प्रथा प्रथाएँ कहीं ना कहीं व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ और उनके जो विचार हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं नेक्स्ट इज कस्टम्स आर यूनिवर्सल प्रथाएं सार्वभौमिक होती हैं मतलब हर कहीं होती हैं कोई भी देश अथवा समुदाय ऐसा नहीं है कि जहां पर प्रथाएं नहीं पाई जाती हैं ठीक है और कोई कोई तो ऐसे भी समुदाय होते हैं जहां पे इन्हें इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है इसको इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रथाओं की उल्लंघना उल्लंघना करने की भी कल्पना नहीं कर सकता है ठीक है नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड लॉ फर्स्ट इज़ कस्टम इज सॉरी लॉ इज में कस्टमिज अ ग्रोथ यानी क्या है कानून क्या है कानून निर्मित है और प्रथा क्या है प्रथा विकसित है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कानून का निर्माण किया गया है कानून का राज्य के निश्चित शक्ति के द्वारा स्पष्टता और विचार पूरा किया हुआ है निर्माण किया गया है जबकि तो प्रथा क्या है प्रथा एक समूहगत प्रोसेस है जिसका विकास धीमे धीमे हुआ ठीक है और वो आगे आके कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र होता चला गया ठीक है नेक्स्ट इज लॉ नीड्स अ स्पेशल एजेंसी फॉर इंफॉर्मेंस इन्फोर्समेंट कस्टम डज नॉट देखिए कानून को कहीं ना कहीं एक इन्फोर्समेंट के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक विशिष्ट अभिकरण की नीड होती है एक आवश्यकता होती है लेकिन प्रथा को कभी नहीं होती क्यों नहीं होती है क्योंकि जो कानून है कहीं ना कहीं स्पेशल एजेंसीज के द्वारा लागू किया जाता है और इसके पीछे क्या होता है एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज एक कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज सत्ता सत्ता होती है ठीक है लेकिन जो प्रथा होती है प्रथा को इस तरीके से प्रथा में इस तरीके की चीज़ें नहीं पाई जाती हैं प्रथा के क्रियान्वयन के, के लिए या प्रथा को लागू करवाने के लिए अप्लाई करवाने के लिए किसी स्पेशल एजेंसी की नीड नहीं होती है ये क्या होती है सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं जो सोशल जो हमारे जो एक्शंस होते हैं जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनके थ्रू क्या होती हैं ये कहीं ना कहीं ये क्रियान्वित होती रहती हैं नेक्स्ट इज लॉ इज स्पेसिफिक कस्टम्स आर नॉट कानून क्या है कानून विशिष्ट होता है प्रथाएँ नहीं होती हैं ठीक क्यों होती है क्यों क्योंकि कानून क्यों के जो निश्चित नियम होते हैं कानून कानून निश्चित होता है उसके नियम होते हैं कानून स्पष्ट होता है जबकि प्रथाएँ क्या प्रथाएँ ना ही निश्चित हैं और ना ही स्पष्ट हैं कुछ क्यों है क्योंकि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रथाएं होती हैं कोई भी देश है कोई भी समुदाय है कोई भी संप्रदाय है तो उन सभी के लिए क्या है कस्टम क्या है वो अलग अलग है एक जैसे नहीं है ना ही स्पष्ट है जो कस्टम आज हम फॉलो कर रहे हैं हो सकता है कि एक ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे वो कस्टम फॉलो नहीं किया जाता हो ठीक है तो इस इसलिए क्या होता है कि जो जो लॉ स्पेसिफिक होती है और कस्टम स्पेसिफिक नहीं होते हैं नेक्स्ट इज़ लॉ इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल देन कस्टम कानून क्या होते हैं प्रथा की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण होते हैं ठीक है और अडेप्टेबल होते हैं यानी कि अनुकूलनीय होते हैं कहने का मतलब ये है कि कानून स्वयं को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित कर सकता है यानी कि जैसे लॉ है कोई भी कानून है तो उसमें एक लचीलापन होता है वो परिस्थितियों के अनुकूल क्या होता है बदलाव किए जा सकते हैं ठीक है लेकिन जो हमारा कस्टम होता है इसमें सरलता से इसमें क्या है कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ठीक है जो प्रथाएं चली आ रही हैं वही प्रथाएं आगे भी चलेंगी नेक्स्ट इज़ लॉ इज़ मोर आइडियलिस्टिक देन कस्टम कानून जो क्या है वो प्रथा की अपेक्षा ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक्स होते हैं यानी कि आदर्शवादी होते हैं ठीक है क्यों होते हैं क्योंकि कानून क्यों क्यों प्रथाओं में सुधार करता है कुछ प्रथाएँ ऐसी हैं जो बहुत पहले चली आ रही हैं तो कानून क्या है कानून उन प्रथाओं में सुधार करता है ठीक है लेकिन जो कस्टम्स हैं जो पहले कस्टम चले आ रहे हैं लाइक सती प्रथा बाल विवाह है ना इस तरीके की जो प्रथाएं थी दहेज प्रथा तो इस तरीके की जो प्रथाएं थी कहीं ना कहीं जो लॉ है इस तरीके की जो प्रथाएं, जो कस्टम इसमें सुधार करता है और ऐसी ऐसी प्रथाओं को कहीं ना कहीं समाप्त भी करता है जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होती हैं ठीक है थीके? तो इसी के साथ आज की यहीं भी ख़त्म होती है थैंक यू